हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो आज हम लोग बात करेंगे कि जो मम्मियाँ जब प्रेग्नेंट हो जाती है, वीमेन प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उनमें एक डायबिटीज़ हो जाता है, शुगर हो जाता है ना, हमने सुना होगा, जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, गेस्टेशनल शुगर बोलते हैं। तो वो क्या होता है, मतलब मम्मियाँ प्रेग्नेंट हो जाती हैं, मतलब मदर बनने वाली होती हैं, उस टाइम पर उनको शुगर आ जाता है, तो वो क्या है, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। एंड अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बच्चे में लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या आ सकते हैं, एंड क्या क्या इसके बहुत ही ज़्यादा मेजर भी इफेक्ट्स हो सकते हैं बच्चे के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले मैं बताऊं कि जो हॉर्मोन्स हमारे जो प्रेगनेंसी के टाइम पे सिक्रीट होते हैं, उनकी वजह से ये डायबिटीज़ जो माँ है उसके ब्लड में शुगर आ जाता है एंड मदर को डायबिटीज़ हो जाता है, जो कि पहले नहीं होता है। पहले उसको कोई डायबिटीज़ नहीं होता है, पहले उसको कोई हेल्थ इशू नहीं होता है, बट जब वो प्रेगनेंट होती है तो उसको डायबिटीज़ हो जाता है ड्यू टू जो उसका कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो इफेक्ट हो जाता है उसकी वजह से, ड्यू टू हॉर्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। अब ये पता कब चलता है, ये पता चलता है 20 to 24 वीक्स जब हमारे होते हैं प्रेगनेंसी के, उस टाइम पे ये डिटेक्ट होता है। स्टार्टिंग में डिटेक्ट नहीं होता है, ये 20 to 24 वीक की जो प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे डिटेक्ट होता है। अब क्या होता है कि कुछ लोग फर्स्ट टाइम जब टेस्ट करवाते हैं तो उनका शुगर आ गया, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे। अब वो ये चीज़ मानते नहीं है, वो सोचते हैं हमें पहले तो कभी शुगर था नहीं, अब हम दवाई लेंगे तो हमारे बच्चे के ऊपर प्रॉब्लम करेगा, तो वो दवाइयाँ नहीं लेते हैं, कोई भी डाइट कंट्रोल नहीं करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वो नहीं करते हैं जो उनको करना चाहिए, प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स बच्चे के ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इफेक्ट्स में क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको पहला इफेक्ट बताती हूँ कि जो मदर का ब्लड है उससे जब वो बेबी के ब्लड में जाता है, बेबी के ब्लड में जब जाता है तो बेबी का जो पैंक्रियाज होता है वो उसको डिटेक्ट करके ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करने लग जाता है। ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करने की वजह से क्या होता है, बच्चे का जो वेट है, बच्चे का ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, उसका वेट इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम मैक्रोसोमिक बेबी बोलते हैं, मतलब लार्ज बेबी, बड़ा बच्चा। आपने सुना होगा कि बच्चा बड़ा होता है, एक नॉर्मल वेट से ज़्यादा बड़ा होता है, वो मैक्रोसोमिक बेबी बोलते हैं। अब क्या होता है, जब डिलीवरी हो जाती है तो ये जो भी बच्चे का ब्लड है ये ब्रेक डाउन होता है एंड ब्लड शुगर लेवल लो आ जाता है, और लो आने की वजह से वहाँ पर हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज आ जाती है बच्चे के अंदर, जिसकी वजह से बच्चे में कन्वर्शंस या फिर दौरे पड़ने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम बच्चे को बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट होता है हमारा कि बच्चा अगर फुल टर्म में हुआ है, लाइक प्रॉपर 37-38 वीक्स कंप्लीट करके हुआ है, स्टिल उसमें जो ब्रीथिंग इश्यूज है वो प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उसके जो लंग्स वगैरह है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है इसकी वजह से। इसलिए हम बोलते हैं कि इस टाइम पे बच्चे को फीड बहुत ज़्यादा दो एंड बच्चे का फ्रिक्वेंट जो ब्लड टेस्ट है वो करते रहो, सो दैट पता चलता रहे कि जो बेबी है वो, उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो बेबी का आरबीसीज है, डिलीवर होने से पहले बेबी के आरबीसीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बनने लग जाते हैं, जिसको पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। तो पॉलीसाइथेमिया जब हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि बच्चे के आरबीसीज बहुत ज़्यादा बन गए, जब डिलीवर हुआ तो वही पॉलीसाइथेमिया टूटना शुरू हो जाता है, आरबीसीज टूटने शुरू हो जाते हैं, जिससे बच्चे को नियोनेटल जॉन्डिस के चांसेस डबल हो जाते हैं, जो बेबी जॉन्डिस होता है उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा डबल हो जाते हैं। इसके बाद अगर मैं एक और बात करूँ तो वो है कि बच्चे में कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, मतलब जो बच्चे का हार्ट का फंक्शन होता है उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है बच्चे के अंदर, अगर आप प्रॉपरली ब्लड शुगर को मेजर करा के प्रॉपर उसके जो प्रिकॉशंस है वो नहीं लेते हैं या प्रॉपर दवाइयाँ नहीं लेते हैं। अब आप मान लीजिए आप दवाइयाँ भी नहीं ले रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना बिल्कुल भी इसको ढंग से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी होते हैं, जिसमें बच्चे को चाइल्डहुड ओबेसिटी हो जाती है कि बच्चा बचपन से ही बहुत ज़्यादा ओबीस रहता है, बहुत ज़्यादा मोटा रहता है एज़ कम्पेयर टू दूसरा बच्चा। अब क्या होता है, हम लोग इसको डाइट, एक्सरसाइज एंड मेडिसिन तीनों चीज़ से कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको इसमें डाइट, एक्सरसाइज एंड जो मेडिसिन चलती हैं वो ज़रूर लेनी है, पक्का से आपको लेना है। आप उसको लेंगे ये सब चीज़ें प्रॉब्लम नहीं करेंगे एंड आपका जो प्रेगनेंसी का टाइम है वो निकल जाएगा, क्योंकि इसमें अच्छी बात ये होती है कि जब आपका डिलीवरी हो जाता है तो आपका शुगर लेवल ऑलरेडी फिर वापस से सही स्टेज में आ जाता है, तो आपको फिर से कोई शुगर का प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब 20-24 वीक्स के बाद आपको ब्लड शुगर का या गेस्टेशनल डायबिटीज़ का पता चले, आप प्रॉपर अपना डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन स्टार्ट करें, क्योंकि आपको सिर्फ डिलीवरी तक ही करना है, उसके बाद आप फ्री हो जाओगे। अगर आप नहीं करोगे तो देखो बच्चों को जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये सारी चीज़ें बच्चों में हो जाती है। इनफैक्ट अगर बहुत ही अनकंट्रोल्ड हो जाए, बच्चा बिल्कुल ही
आप बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बहुत ही अनकंट्रोल्ड वे में चला जाए, तो कितनी बार लास्ट टाइम आते आते बच्चे की हार्ट बीट भी बंद हो जाती है मदर के वोम के अंदर। तो देखिए ये इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो एक मदर को जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से बच्चे के ऊपर हो जाते हैं, एंड ये आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट करने वाली बात नहीं है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, एंड मैं आपसे बोलूँगी कि प्लीज़ आप इसको शेयर करिए अपनी सारी फीमेल कलीग्स, फीमेल फ्रेंड्स, जो भी आपके फैमिली में फीमेल्स हैं, इनफैक्ट फैमिली मेम्बर्स हैं, मेल्स भी हैं क्योंकि उनके भी भाई वाइफ है, सिस्टर्स हैं, सब लोग घर में होते हैं, उनके लिए कि अगर उनको जब भी वो चेक करा रहे हैं उनको, पहली बात तो लोग चेक करवाते नहीं है कि नहीं हमें कोई ज़रूरत नहीं है हम सीधे जाएंगे, बट फिर भी आप चेक करवा रहे हो, आपको पता चलता है आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, तो अपनी इन तीन चीज़ों का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखो, सो दैट बच्चे को जो भी ये माइक्रोसोमिक बेबी होता है, बड़ा बच्चा होना, कार्डियोमायोपैथी होती है, या बच्चे को न्यूनेटल जॉन्डिस के चांसेस डबल हो जाते हैं, या बच्चे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है, तो इन सब चीज़ों से आप बचा सको, या फिर एंड टाइम आते आते बच्चे का हार्ट बीट ना रुक जाए ड्यू टू अनकंट्रोल शुगर, तो उससे भी आप बचा लो। तो प्लीज़ इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखो, इसको बिल्कुल शेयर करो जितना आप इधर से उधर अपनी फैमिली फ्रेंड्स जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो इसको शेयर करो एज अ अवेयरनेस वीडियो कि लोग इसको देखें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक वीडियो पर जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आपको पहले से डायबिटीज़ है, ये तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया जो आपको 20 वीक में हुआ, पर आपको पहले से डायबिटीज़ है एंड आपने कंसीव कर लिया है, तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, एंड कैसे आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी को ले सकते हैं, हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए तो मैं इतना ही आपको बताऊँगी। आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी हद तक समझ में आया हो, एंड आप ट्राई करना है इसको शेयर करने का सो दैट और लोग हैं वो भी इस चीज़ से अवेयर हो सके एंड अच्छे से इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट कर सके। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, कल हम किसी और अवेयरनेस वीडियो के साथ से मिलते हैं। आपको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड, कोई भी आपको अपना प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी ऐसा डाउट हो जो आप क्लियर करना चाहते हो, आप मुझसे नीचे पूछ लेना, मैं आपको आंसर दे दूंगी। एंड चलिए फिर आज के लिए इतना ही, टेक केयर, एंड आई थिंक आज तो वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा, तो हैप्पी वीकेंड इन एडवांस टू, बाय बाय।